चैप्टर थ्री में मॉडल पेपर, चैप्टर थ्री से मॉडल पेपर में ये पांच एमसीक्यू आए हैं। पहला है नंबर सिक्स, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला होगा ए बराबर है जी साइन थीटा, अगर फ्रिक्शन इग्नोर कर, फ्रिक्शन होगी तो माइनस एफ अपॉन एम डी आ जाएगा। तो ये कह रहा है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है। जी तो 9.8 होता है, एंगल दे दिया 30, साइन 30 0.5 होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 4.9 मीटर, ठीक है। ये दसवां वो मैंने नीचे लिखा है, लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आर गिवन बाय। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन। न्यूटन ने, तो आसान है बोलिए। इस 18 10 5 3 18, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन चेंजेस, अगर उसका एक्सेलरेशन है तो अगेन वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है। डायरेक्शन चेंजेस, अगेन डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वो यूनिफॉर्म नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तभी क्या निकलती है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये चौथा ऑप्शन इसका है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। जब लॉन्ग जंप लेते हैं तो एथलीट जो जंप लेने वाला होता है वो दौड़ लगाता है। फर्स्ट करें आप पाकिस्तान के एथलीट है ना, सही है, और तमाशाई चीख रहे हैं, आपने जो पहली जंप लगाई है वो इतनी अच्छी नहीं लगाई, सही है, सोचने में कोई पाबंदी, आप दुनिया के सबसे मशहूर है और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आप दौड़ते हैं, आप चाहते हैं मैं लंबी छलांग मारूं, लोग नारे लगा रहे हैं, कोई भी नाम अबू बकर दौड़ते हुए अबू बकर ने लंबी छलांग मार दी। उस लंबी छलांग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड हिम अ लार्जर इनर्शिया, उसको ज्यादा इनर्शिया देना पड़ेगा। अच्छा, डिक्रीज इज इनर्शिया, इनर्शिया कम करना पड़ेगा। डिक्रीज इज मोमेंटम, अपना मोमेंटम करना पड़ेगा। इंक्रीज इज मोमेंटम, अपना मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है ना, सही है, जितनी ज्यादा वो उसको वेलोसिटी देगा उतनी दूर वो मास तो उसका फिक्स है, ठीक है। इंक्रीज इज मोमेंटम, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो दौड़ते हुए जब आ रहा है तो अपना मोमेंटम बढ़ा, अगर आप दौड़ते हुए नहीं आएंगे चलते भी आएंगे तो क्या आप लंबी छलांग मार सकते हैं? तो आज जब दौड़ते हुए आते हैं आप अपना मोमेंटम बढ़ाते हैं। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाती है तो आप दूर जाते हैं। आखिरी है 20, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निग्लिजिबल है यानी नहीं है, देन एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को गिरा दूं तो तब क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा उनका? सेम, डिफरेंट सेम होगा ना। नॉर्मली अगर फ्रिक्शन हो, जैसे एयर है, मैं अगर कोई हल्की चीज फेंकूंगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, भारी चीज का एक्सेलरेशन, क्योंकि हल्की चीज को हवा रोकेगी। वो कह रहे हैं फर्ज करो हवा नहीं है, ये मैंने क्यों एक वीडियो डाली हुई है चैप्टर सिक्स में, एक पर गिराते हैं और एक बॉल गिराते हैं। एयर जब होती है तो बॉल पहले नीचे आती है और वो जो फीडर होता है वो पर बाद में आता है, लेकिन जब एयर निकाल देते हैं कमरे से, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, तो सेम होगा, क्या होगा? ठीक है।
जिनका अर्थ